विदिशा के लटेरी तहसील में वन निगम के कई कंपार्टमेंट में भूमाफियाओं के जबरन अवैध कब्जों की सूचनाएं रेंजर गोविंद सिंह कुशवाहा ने वन निगम के डीएम और अधिकारियों को दी, जिसके बाद वन निगम डीएम तरुण कोरम ने राजस्व अधिकारी तहसीलदार एसडीओपी के अलावा वन विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ बरखेड़ा मुरारिया सरपंच सहित ग्राम अमराई नेनवास जगतपुर बरखेड़ा घोसी मुरारिया आदि में कंपार्टमेंट 351, 355, 356 में हुए अवैध कब्जों और उनके फसलों को नष्ट किया गया। डीएम ने कहा कि जहां अवैध रूप से खेत जोते गए हैं और प्लांटेशन की जगह को ट्रैक्टरों द्वारा पटाया गया है और फसलें बोने की तैयारी हो रही है, उन पर भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश निगम द्वारा दिए गए हैं। यहां कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। बता दें, इस कार्रवाई में कुछ ग्रामीण अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की बात कहते दिखाई दिए, जिस पर अधिकारियों ने कहा कि जिस तरह से आज अवैध कब्जाधारी लोगों पर कार्रवाई हुई है, उसी तरह अन्य लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं लटेरी वन विभाग उत्तर के डिप्टी रेंजर पर विगत दिनों हुए भूमाफियाओं के हमले की एफआईआर के बाद भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं होने के मीडिया के सवाल पर डीएम ने कहा कि ऐसा नहीं है। जो भी भूमाफिया शासन के कर्मचारियों पर हमला करते हैं, शासन उन्हें माफ नहीं करेगा, उन पर भी अतिशीघ्र सख्त कार्रवाई होगी। मुनव्वर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नसीम खान की रिपोर्ट। अरे अपना पहले देखो, तुम काय को कुआं में गिर रहे हो? तो तुम्हारे साथ अत्याचार, जो सरकारी जमीन जो तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, करेंगे कोई आपत्ति नहीं है। शासन के हिसाब से कार्य कर रही है, हम किसी भी प्रकार की कोई नहीं हो रही है। घर खोस आपके साथ होगी, आपसे सिर्फ एक बात पूछना था, क्या नाम है पहले आप जो बताओ? मेरा नाम रवि धाकड़। रवि भाई, आपसे ये जानना चाहते कि ये जो खेती पे अभी अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है वन विभाग की ओर से, इससे आपको दुख तो नहीं है? आप दूसरी बात आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ और कितने लोगों का अतिक्रमण है ऐसे जो टूटना चाहिए? मकान बन रहा है, 50 वर्ष पुराना कब्जा है, सिर्फ आपका टूट रहा है कि दूसरों का भी टूट रहा है? अभी बाकी सर बोल रहे हैं बड़े अधिकारी की सब शासन के हिसाब से कार्य कर रही है, हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, शासन का हमें साफ कर दें। चलिए ठीक है, पलिए हम तो ठीक। यहाँ अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई चल रही है और ज़िले से हमारे जो हैं बड़े अधिकारी यहाँ पर आए हैं। सर, ये जो अतिक्रमण कार्रवाई चल रही है, ये किन किन विभागों के तहत चल रही है? सर, अपने जिला एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से एवं उनके मार्गदर्शन से वन विकास निगम विदिशा राइफल परियोजना मंडल की लटेरी परिषद के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 351, 355, 356 में जगह जगह दबंगियों के द्वारा बागुर बनाकर वन क्षेत्र में अतिक्रमण का प्रयास किया गया था, जिसको सबके सहयोग से पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन एवं वन विभाग की सबके सहयोग से आज बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हटाया गया और लोगों को में असंतोष था, उस असंतोष को भी लगभग दूर किया गया। सर, जैसा कि अभी हमारे सामने देखने में आया, एक व्यक्ति जो यहाँ जिनका अतिक्रमण था, उनके द्वारा भी ये कहा गया कि हमारा अतिक्रमण आप तोड़ रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तोड़ दीजिए, लेकिन अन्य लोगों के जो अतिक्रमण हैं उनको भी आप आज भी हमने अतिक्रमण 351 में मुरारिया के पास, जगतपुर के पास अभी हम लोग ने आज 3-4 जगह हमने अतिक्रमण हटाया गया है। अब ये अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया सतत जारी रहेगी, क्योंकि काफ़ी वन क्षेत्रों में लोगों ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई की जा रही है और पुलिस ने की जा रही थी। सर, एक चीज़ और देखने में आई है, जैसे लटेरी में वन निगम भी है और वन विभाग भी है, तो कई जगह निगम तो अपनी कार्रवाई कर रहा है,
लेकिन वन विभाग की ओर से अभी तक अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई हमें दिखाई नहीं दी है, क्योंकि अभी हाल ही में एक डिप्टी रेंजर के ऊपर हमला किया गया और उनका हाथ भी तोड़ दिया गया दबंगों द्वारा। तो सर क्या संभव है कि वन विभाग की ओर से भी कोई सख्त कार्रवाई होगी? नहीं, आज की कार्रवाई भी हमारे वन विभाग के टेरिटोरियल के पूरे स्टाफ और उनका डीएफओ साहब का सपोर्ट है और वन विभाग भी अपने तरह से कार्रवाई करती है। और इसमें हमारा वन विभाग और वन विकास अलग अलग नहीं है, एक डिफरेंट विंग है और सब मिलकर कार्रवाई करते हैं। लेकिन सर जिन्होंने हमला किया था उनके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? की जा रही है कार्रवाई वन विभाग के द्वारा भी, सब चीज़ से कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, आपके साथ पुलिस अधिकारी हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर जैसा कि ये जो कार्रवाई हो रही है, किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो क्रिएट नहीं हुई? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है, क्योंकि ये शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का मामला है और जो करने वाले जानते हैं कि उनकी नहीं है और वन विभाग के जो अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी हैं, राजस्व के अधिकारी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर उपस्थित होकर उनको एक बार मौका देके समझाइश देके फिर उसके बाद कार्रवाई की जा रही है और वो सुचारू रूप से चल रही है। अधिक से अधिक उसका जो है अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। ठीक है सर, हमारे साथ राजस्व के अधिकारी भी जुड़े हुए हैं, तहसीलदार साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे राजस्व की कितनी भूमियाँ यहाँ पर जो है अतिक्रमण मुक्त कराई गई हैं आज? आज की कार्रवाई है राजस्व की, कोई जमीन पे अतिक्रमण नहीं पाया गया? ये कार्रवाई कब तक चलेगी सर? ठीक है सर, ठीक है सर। सर जैसा कि आज जो अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई हो रही है, विधायक जी का भी कई बार कहना था कि इस इलाके में जो है अतिक्रमण हो रहा है और लोगों का अतिक्रमण, कुछ निगम लापरवाही करती है, तो सरपंच साहब से जानना चाहेंगे सर निगम ने आज कोई कार्रवाई की है, क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? कार्रवाई हुई है मरारिया के पास से शुरुआत करी इसकी और यहाँ बरखेड़ा पंचायत तक आ चुके हैं और हम शासन और प्रशासन से यही मांग इच्छा रखते हैं, विचार रखते हैं कि ये निष्पक्ष भावना से ये कार्य चले, समान रूप से जिसका भी हो, वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका एक साथ समभाव से अगर वास्तविक अतिक्रमण है उसे तोड़ा जाए। सर से जानना चाहेंगे सर आज किन किन गांवों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आपके द्वारा की गई है? हमारे यहाँ 351, 355 और 356 इन कंपार्टमेंट में कार्रवाई की गई। मरारिया के पास इधर मैनवास के जंगल में और उसके बाद जगतपुर और ये बरखेड़ा घोषित। सर आगे की लाइन में कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जो आपके निशाने पे हैं? नहीं, अब वो हम चिन्हित करवा रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।